सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। एएमयू के वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग के प्रोफेसर पर शोध की छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले छात्रा ने डीजीपी और एसएसपी को ऑनलाइन शिकायत भेजी थी, जिसका संज्ञान लिया गया। सीओ सिविल लाइन अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एएमयू छात्रा ने एएमयू प्रोफेसर के खिलाफ छेड़खानी की ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर एएमयू प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एसएसपी के वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग की एक शोध छात्रा ने अपने गाइड प्रोफेसर के विरुद्ध छेड़छाड़ व उत्पीड़न संबंधी आरोप अंकित करके एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर महिला थाने में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित। कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा थाना नेबुआ नौरिया क्षेत्रांतर्गत शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान टंकी में गिरने से चार व्यक्तियों की मौत हो गई और एक लोग घायल हो गए। घायल होने की सूचना पर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और परिवार के लोगों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खड्डा, प्रभारी निरीक्षक कर्मचारी गढ़ वहां पर मौजूद रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें 4 लाख रुपए की घोषणा प्रत्येक मृतक के लिए की गई है और मौके पर पूरी टीम पुलिस प्रशासन की है। कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इनके आर्थिक मदद के अलावा जो भी चीज़ किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा भी कराया जाए। थैंक यू। ये भी गए उनको बचाने के लिए अपने पापा को, तो उसमें जो गैस थी गैस बर्दाश्त नहीं हुई है और गैस के बाद हम 200 पर उसी गिर गए। तब तक हल्ला हुई, पूरी गाँव में हल्ला हुई, गांव में हल्ला हुई तो 3 लोग आए। पहले आए दिनेश कुशवाहा, आए वो बचाने के लिए गए, वो भी बेहोश होकर उसमें गिर गए। फिर से तो आए एक पड़ोसी आए अनंत कुशवाहा, जो मेरे बड़े भैया हैं, वो आए तो उनको पकड़, वो भी गए फिर पकड़ कर निकालने के लिए, वो भी बेहोश होकर उसमें गिर गए। फिर से आए राजकुमार जो नरेश कुशवाहा के लड़के हैं, उनको भी बेहोश होकर। फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा रोडवेज की वॉल्वो बस जल्द फरीदाबाद से सीधे लंबे रूट पर चलेगी। अभी तक फरीदाबाद में रहने वाले लोग चंडीगढ़, आगरा तथा जयपुर जैसे लंबे रूट पर चलने वाली वॉल्वो बस में सफर करने के लिए दिल्ली के ISBT जाते थे, लेकिन आने वाले दिनों में जब फरीदाबाद से जब वॉल्वो बस चलने लगेगी तो लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। बता दें कि अभी तक गुरुग्राम डिपो की ही लंबे रूट पर वॉल्वो बस चल रही थी। मांग भेजी थी AC गाड़ियों की, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे हमारे पास। कितनी बस करीबन, कौन से रूट पर? 12 से 15 बसेस के करीब आने की संभावना है हमारे पास AC बसें। इन बसों को हम चंडीगढ़, आगरा, जयपुर और हरिद्वार रूट पे लगाएंगे, इंटरस्टेट रूट के ऊपर, और कुछ दोपहर के समय में लगाएंगे चंडीगढ़ के लिए, जिस समय गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ के लोगों को अगर चंडीगढ़ जाना है दोपहर को तो उसमें राहत मिल सके। और गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र अंतर्गत कंचन पार्क के पास सफाई कर्मी पर एक युवक ने लाइसेंसी हथियार से 3 राउंड फायर किया। बताते चले कि सफाई कर्मचारियों के वाहन में सफाई संदेश प्रसारित करने को लेकर एक युवक द्वारा आपत्ति होने पर सफाई कर्मचारियों से विवाद होने पर उस युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया। पुलिस को सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गई, शांति स्थापित कर उस युवक को हिरासत में ले लिया गया। सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संदेश प्रसारित किया जाता है, इसको लेकर के तौहीद नाम के व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और सफाई कर्मचारियों से उसका इस पर विवाद हो गया और वो विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। हालांकि इसमें
कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ना ही कोई इंजर्ड हुआ। इस पर तत्काल पड़ोसियों के द्वारा रिएक्ट किया गया और विरोध करते हुए उसकी उस लाइसेंसी रिवाल्वर को उससे छीन लिया गया, जिससे कि कोई बड़ी घटना कारित नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा देवरिया में जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर का औचक निरीक्षण किया। बताते चले कि 2 मेडिकल ऑफिसर समेत 5 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। डीएम ने अनुपस्थित कार्मिकों का एक दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। डीएम ने डेंटल विभाग एवं लैब में हो रही जांचों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। दोनों ही अनुपस्थित हैं और बिना किसी कारण के और बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित हैं। ये CHT जब से बना है 2009 में, उसके बाद इसमें कुछ से सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु कुछ डॉक्टर्स अपनी मर्जी से ही भागलपुर में बैठे हैं, उससे जटिलताएँ हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टाफ जो एबसेंट है, और चूँकि जो मेन दोनों डॉक्टर हैं, जिसमें एक लेडी डॉक्टर हैं और एक पुरुष डॉक्टर हैं, दोनों ही एबसेंट हैं, उससे ये व्यवस्थाएँ ख़राब हो रही हैं। और जो इस क्षेत्र में देवरिया में जहाँ जो स्वास्थ्य की सेवाएँ होनी चाहिए। हरदोई में मल्लावा इलाके में पूर्व प्रधान की ईंट से कूचकर हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। देर रात पूर्व प्रधान अपने मुर्गा फार्म पर सोने गया था, जहां अज्ञात हमलावरों ने ईंट पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SP ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या के खुलासे के निर्देश दिए। 5 टीमों का गठन कर हत्या के खुलासे का निर्देश दिया गया है। इस घटना पर SP ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मिली है कि इसी गांव के ये राम आश्रय हैं, ये मृत पाए गए हैं अपनी दुकान के सामने। रात में सोए हुए थे, सर पर ईंटे से वार किया गया है आगे और पीछे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। अभी पुलिस सभी बिंदुओं पड़ताल कर रही है, रंजिशों के बारे में पता कर रही है और शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। सर, घटना को लेकर किसी की गिरफ्तारी अभी तक की गई है? अभी जैसा मैंने कहा, पड़ताल चल रही है, विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं क्या रंजिश थी, कौन कर सकता है। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर विजयी हुई BJP प्रत्याशी श्वेता मिश्रा का शपथ ग्रहण समारोह का एक रिसोर्ट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और BJP सांसद साक्षी महाराज मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए श्वेता मिश्रा ने विकास को प्राथमिकता बताया। शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद साक्षी महाराज शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में सांसद ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर हो रही बहस पर पलटवार करते हुए कहा कि निमंत्रण सबको है, आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मामले पर जो मोदी का सामना नहीं कर सकते, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो एक नया मुद्दा निकाल करके ले आए नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध। ये सर्वविदित है कि लोकसभा अध्यक्ष उस भवन का मालिक होता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से प्रधानमंत्री भी उठते और बैठते हैं, साक्षी महाराज भी उठते और बैठते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का अपना अधिकार है, उद्घाटन किससे। औरैया में 2 सगे भाई जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक हाईवे पर बने डिवाइडर से जा टकराई, जिससे दोनों सगे भाई सड़क पर जा गिरे और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में पड़ा देखकर ग्राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा 50 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा एक भाई पवन को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे भाई का उपचार किया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के घर वालों को सूचना दे दी है। कहां पर? बाइक में कितने लोग थे? आप और मेरा भाई। अच्छा, किस बाइक लेट हो गई? हाँ, छोटा भाई है मेरा। कहाँ से आ रहे थे आप? चित्रकूट से। जाप जा रहे थे? दिल्ली। रहने वाले कहाँ के हो आप?
बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद व प्रभारी संभल पहुंचे। वहां बाबू मुनकात सबसे पहले माइक संभालते हुए खैर मकदम करने वालों का शुक्रिया करते हुए आगामी लोकसभा के चुनाव की बात करते हुए कहा कि यह बैठक आने वाले वक्त में चुनाव की किस तरह की तैयारी करनी है। इस मौके पर पदाधिकारी व सम्मानित समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद रहे। कोई कानून नहीं, कोई संविधान को मानने वाला नहीं है। जहां जैसा भी इस्तेमाल होता है उसी तरीके का ये इस्तेमाल करते हैं। ताकत का नाजायज फायदा उठाए ऐसे लोगों को खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को हरा लेना उखाड़ कर सकते हैं। कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। अलीगढ़ में चोरों के मनोबल हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि हर रोज चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आज भी अज्ञात चोरों के द्वारा एक बाइक पर हाथ साफ कर लिया गया, जिसमें दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए चार चोरों के द्वारा पहले खड़ी हुई बाइक की रेकी की गई। उसके बाद एक बाइक को चोरी करने के बाद चारों चोर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बीस मार्ग पास नगला मोटा गाँव। अच्छा, कोई बाइक वगैरह चोरी हुई है? कहाँ से चोरी हुई है? 17 तारीख को मेरी बाइक सोमावाली पेट से चोरी हुई थी। तो क्या कोई सीसीटीवी वगैरह? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, प्लस उसके वीडियो भी है, सारी चीज़ें हैं। क्या कोई कार्रवाई हो पाई अब से? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस जगह से चोरी हुई थी? मेरी दुकान के साथ पास में। सीसीटीवी में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? उसमें दो चार लोग थे, दो बाइक थे। अच्छा, क्या होना चाहिए वैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ कार्रवाई की जाए। आज दिन रोजाना गाड़ी उठ बाइक उठ रही है, कोई यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।